नमस्कार, मैं प्रगति पाटिल आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। मैं एक होम बेकर हूँ और मुझे ये पता है कि हमको केक्स के ऑर्डर्स या दूसरी भी कोई भी ऑर्डर्स आती है तो हमको उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वो ऑर्डर्स पूरी करके देने के बाद में होने वाली खुशी मुझे पता है। अब कल ही में एक वीडियो अपलोड हुआ है गोकुल किचन की मिसेस रेनु सिंह के द्वारा, जैसे उन्होंने बताया कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड हुआ है मतलब उनका कहना है कि उनको फ़ोन आया था आर्मी के ऑफिसर्स का, वो खुद को आर्मी के ऑफिसर्स बता रहे थे और उन्होंने दो केक्स की ऑर्डर दी उनको, एक 2 किलो का एक केक था और एक डॉल केक था 2 किलो का। ऐसे केक की ऑर्डर दी और उनको अमाउंट पूछा कि कितना अमाउंट होगा। जब उन्होंने पेमेंट के लिए कहा, मतलब वो एडवांस ऑर्डर नहीं लेती है और उन्होंने पेमेंट के लिए अगले दिन जिस दिन ऑर्डर जाने वाली थी उस दिन पेमेंट के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन हम ट्रांसफ़र कर देंगे और उनको अलग अलग स्टेप्स में बताया कि ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र हम आपके अकाउंट में करेंगे। तो इन्होंने भी जैसे उन्होंने बोला वैसे इन्होंने किया, बट इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होने की जगह इनके अकाउंट में से डेबिट हुआ पैसा, इनके अकाउंट में से पैसा चला गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ उनके साथ में, उसी थोड़े थोड़े इंटरवल में 3 से 4 बार उनके अकाउंट में से पैसा ट्रांसफ़र हुआ। ये कल ही उन्होंने वीडियो में अपलोड किया है, गोकुल किचन की मिसेस रेनु सिंह ने ये अपलोड किया हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय बात है क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कुछ लोगों ने जो ऐसी साजिशें रची है बहुत ही गलत है, क्योंकि हमको प्राउड है हमारे इंडियन आर्मी पे। ये तो क्या है, हमको भी समझ में आता है कि फ्रॉड कॉल्स है और हमको इससे सतर्क रहना है। जैसे इनके साथ में हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मेरे पास में 14 जनवरी को देखिए ये मुझे ऑर्डर आई थी। इन्होंने भी मुझे आर्मी से है ऐसे बताया था, बात करते हो कि ये कहते हैं जय हिंद दीदी, मैं इंडियन आर्मी से ये ऑफिसर बोल रहा हूँ, मुझे केक की आपको ऑर्डर देनी है, मैंने ऑनलाइन आपको आपका रिव्यू देखा है बहुत ही अच्छा है, ऐसा कहते हैं। और हमको भी ऐसा लगता है कि अरे वाह, हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे पास इंडियन आर्मी से भी कॉल आया है, उनको भी हमारे पास एक केक चाहिए। तो हम उनकी बातों में आ जाते, वो इतना मीठा बोलते हैं कि आप उनको जज ही नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बट मेरा एक पॉलिसी है, मैं हमेशा एडवांस लेती हूँ जो अननोन पर्संस रहते हैं, हुएवर इट मे बी, मैं एडवांस लेती हूँ। तो जैसे मैंने उनको बताया, अब मुझे उन्होंने जो है करीब 4,500 रुपये के केक की ऑर्डर दी थी, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे आप मिनिमम 50% तो आप मेरे को एडवांस दीजिए, तो कैसे है मेरे को भी पेमेंट लगता है सामान लाने के लिए उस सब। तो उन्होंने मुझे बिना कोई बात के डन कर दिया, मुझे बोला ठीक है मैं आपको जो है पेमेंट करा देता हूँ। तो मेरे को बोला कि आपका जो है मतलब ऑनलाइन पेमेंट जो भी ट्रांसफ़र आपको इस अकाउंट में चाहिए आप मुझे बस वो नंबर दे दीजिए। तो मैंने उनको अपना मैं फ़ोनपे यूज़ करती हूँ, मैं उसका उनको स्कैन करके ये भेज दिया। तो जैसे उनको मैंने भेजा तो उन्होंने मुझे रिपीट में उनके यहाँ से जो है आर्मी चेक करके जो है एक लोगो ये भेजा, स्कैनर भेजा, और मुझे बोलते हैं कि इस पे आप स्कैन करो तो जो है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो मुझे थोड़ा गलत लगा क्योंकि हम हर जगह सुनते हैं, पढ़ने में आता है कि आपको बैंक वाले भी बार बार आपको मैसेज देके सतर्क करते हैं कि आपको ऐसा कोई भी मतलब बोलते हैं कि आप ये स्कैन करो तो आपके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे मैसेजेस अपने को आते रहते हैं। तो ये मैंने सुना हुआ था इसलिए मैंने वो QR कोड बिल्कुल भी स्कैन नहीं किया। तो उन्होंने रिपीट मेरे को फ़ोन किए जा रहे थे कि मैडम आप स्कैन करो तो हम आपको पैसा भेज सकते हैं, नहीं तो हमारी ऑर्डर का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। फाइनली मैंने उनको बोल दिया सर आप मेरे अकाउंट में बैंक से ट्रांसफ़र करने वाले होंगे तो ही मैं आपके ऑर्डर कंफर्म करूंगी, बाकी मैं कोई भी QR कोड आपके यहाँ से स्कैन नहीं करूंगी। जब मैंने एकदम स्ट्रिक्टली उनको बोला तो फिर उन्होंने मुझे जो है फ़ोन करना बंद कर दिया। उसके बाद उनका मेरे पास उनको भी समझ में आ गया होगा कि इनको हिंट लग गई है कि ये फ्रॉड है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करना बंद कर दिया, मुझे वापस कॉल नहीं आया ऐसा। तो ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बस इनकी ये एक मतलब कहते हैं ना बहुत कोई कोई लोग एकदम सीधे साधे रहते, इनके सीधे फन का उन्होंने फ़ायदा उठाया।
मिसेस रेनू सिंह का सीधेपन का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उनको जो है उनके पास से ये पैसे ऐट लिए गए, बट ये गलत है। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हर होम बेकर को, क्योंकि हमको काम करने के लिए बहुत कष्ट कब करना पड़ता है, क्योंकि हमको घर संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, और उसके बाद में हम अपने आप को साबित करने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे कोई भी आपको ऑनलाइन के लिए QR कोड भेजता है और बोलता है हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आप उसको स्कैन कभी भी मत कीजिए। सिंपल तरीका रहता है, आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, उसमें ट्रांसफ़र होता है तो ठीक है, आपको जो QR कोड मिलते हैं बैंक से कि भाई आपका अकाउंट में ये स्कैन कर देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उतना ही फॉलो कीजिए, या आपके पास सीधा कोई कैश लेके आता है तो ही कीजिए। बाकी ऐसा कोई भी आपको फ़ोन करके बोलता है कि मैं आर्मी से हूँ या इधर से हूँ, आपको ये करना है, तो आप इनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी किसी को फंसाने के लिए नहीं है, हमारी वो देश के रक्षक लोग हैं। मुझे बहुत प्राउड है, पर्सनली मुझे बहुत प्राउड है, मेरा एम्बिशन था कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊं, बट कोई कारण से वो पूरा नहीं हो सका, बट फिर भी एज अ मतलब प्राउड इंडियन मैं ये कहना चाहूँगी, ये फ्रॉड कॉल से हर किसी को बचना चाहिए। ये सबक है सबको कि आपको कभी भी ऐसा कोई भी फ़ोन आता है, वीडियो आता है, या कोई कहता है कि आपके अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, आप उसको बस स्कैन कर दीजिए, तो नहीं करना है। जो प्रोसीजर्स बैंक्स ने आपको बताई है आपको वही फॉलो करनी है। आपको ट्रांसफ़र आपके फ़ोन पे जीपे का जो QR कोड रहता है वो आप दे सकते हो, वो फेयर है, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। बट अगर आपको कोई बोलता है उनके यहाँ से स्कैन करो, तो आप बिल्कुल भी मत सुनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जो मिसेस रेनू गोकुल किचन इनका चैनल है यूट्यूब पे, बहुत बड़े चैनल है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, बट वो इतनी सिंपल है, वो इतनी सादी है कि उनके भोलेपन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सावधान हो जाइए कि जहाँ पैसे की लेन देन की बात आती है तो थोड़ा सतर्क हर किसी को रहना है। तो मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे फर्जी कॉल से बचिए, क्योंकि हमको मेहनत करनी पड़ती है तो हमको पैसा मिलता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।